नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और जुड़ चुके हैं आप एमपी तक के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की मुश्किलें उस ट्वीट से बढ़ सकती है जो उन्होंने मध्य प्रदेश में खरगोन में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर करा। उस ट्वीट में उन्होंने एक फोटो चस्पा किया जिसमें कुछ लोग हाथ में हथियार लेकर एक धार्मिक स्थल पर झंडा लहराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वो चित्र मध्य प्रदेश की घटना या खरगोन में हुई हिंसा से ताल्लुक नहीं रखता है, वो दूसरे प्रदेश यानी कि बिहार की किसी घटना से ताल्लुक रखता है। बस इसी को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। गृहमंत्री ने बाकायदा ट्वीट किया है, स्टेटमेंट भी दिया है। गृहमंत्री ने कहा है कि दिग्विजय सिंह भ्रम फैलाकर सांप्रदायिक तनाव को हवा देना चाहते हैं। अपने अकाउंट पर मस्जिद में झंडा फहराने की तस्वीर उन्होंने जो पोस्ट की है वो मध्य प्रदेश की नहीं है। इस विषय में वैधानिक कार्रवाई यानी कि कानूनी कार्रवाई को लेकर विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। रामनवमी पर तो लिए थे निर्देश, पर रामनवमी पर पत्थर फेंके तो एक शब्द नहीं बोले वो। ये इनसे चेहरे उजागर होते हैं इस तरह की घटनाओं से। ट्वीट भी आया उनकी पार्टी के नेता का, तो दंगाइयों के पक्ष में आया। भारतीय बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस को इस मसले पर कंप्लेंट भी की है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी प्रतिक्रिया आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एक धार्मिक स्थल पर युवक द्वारा भगवा झंडा फहराने का फोटो सहित ट्वीट दिग्विजय सिंह द्वारा किया गया, यह मध्य प्रदेश का नहीं है और यह मध्य प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र है। प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की साजिश है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बहुत सख्त लहजे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया है और सरकार अब जो कानूनी विशेषज्ञ हैं उनसे राय ले रही है कि क्या इस पर क्या प्रतिक्रिया, क्या कार्रवाई की जा सकती है, क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस पर, आइए सुनते हैं। दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। आज सवेरे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया धार्मिक स्थल पर झंडा फहराने का, वो फोटो मध्य प्रदेश का नहीं है। श्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र रचा है, प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश की है और मेरे प्रदेश में दंगा फैलाने की कोई साजिश करेगा तो वो कोई भी हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हालांकि दिग्विजय सिंह ने कुछ देर बाद इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया था, लेकिन सरकार अब इस कोशिश में है कि क्या इस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती। बहरहाल, इन सब से अलग खरगोन की जो सांप्रदायिक हिंसा में समाज झुलसा, उसको लेकर सियासत में कितनी संवेदनहीनता है वो इन ट्वीट्स की सियासत से पता चलता है। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी तक के साथ।